नमस्कार दोस्तों, कांताज किचन में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको मुखवास बनाना बताती हूँ। बीटरूट और आंवला, इसमें मैंने 3 पाव आंवले हैं और 2 बीटरूट मैंने लिया। इनको कद्दूकस से कस के तैयार किया और इसके अंदर में ये 20 ग्राम करीबन अदरक है, इनको भी कीस ली। ये भी मैं इसी के अंदर मिक्स कर देती हूँ और इसमें क्या क्या मिलाऊंगी जो आपको मैं बताती हूँ। इसमें मैं 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ, टीस्पून, और 1/2 टीस्पून में काला नमक डालूंगी। ये थोड़ा अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। और थोड़ी मैं इसके अंदर काली मिर्ची डालूंगी, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्ची दिया है। और इसी के अंदर में 3-4 चम्मच चीनी डालूंगी, ये शुगर। इससे क्या है, इसका कलर भी बहुत सुंदर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसमें थोड़ी सी मैं सौंफ भी डालूंगी, फिर सूखने के बाद इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। बच्चे वैसे तो चुकंदर ये आंवले खाते नहीं है ना, इसको हम लोग बनाएंगे और ये सूख जाएगी ना धूप में, तो बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी। आप किसी भी मर्तबान में भर के रख दीजिए, डब्बे में, किसी में भी। और ये हमने 3-4 दिन धूप में सुखाना है। इसको तैयार करने के बाद पहले तो हम इसी थाली में या कोई भी परात किसी में भी सुखा सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, कोई प्लास्टिक पेपर पे या प्लास्टिक के ऊपर डाल के इसको धूप में सुखा लीजिए, बहुत जल्दी सूखेगा। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ मिला रही हूँ। ये 2 चम्मच में इसमें सौंफ मिला देती हूँ। आप इस तरह से सब सौंफ और सब मिला दिए ना, आप इसको अपने टेस्ट करके देख लीजिएगा नमक और चीनी का कैसा टेस्ट है। फिर उसी हिसाब से आपको कम लगे तो आप और मिला लीजिए। फिर हम इसे धूप में देने के बाद आपको मैं बताती हूँ 3 दिन बाद मेरा सूख के कैसा तैयार हुआ है। कभी 3 दिन लग जाता है, कभी 4 दिन लग जाते हैं। ये 3 दिन बाद ये इस तरह से सूख के तैयार हो गया। अब हम इसे किसी भी डब्बे में डाल के रख सकते हैं। 12 महीना भी ख़राब नहीं होता, साल भर ही आराम से चल जाता है। इस तरह से तैयार कर लीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे खाइए, मज़े कीजिए। इसको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ना चम्मच से मिक्स करते जाइए। जब धूप में रखेंगे ना आप, तब जल्दी सूख कर तैयार हो जाएगा ये। इस तरह से तैयार, कितना सुंदर सूखा है, ये खराब भी नहीं होता है।